भारत का सबसे अधिक लोकप्रिय गोंदा रंगनाथ श्री करथ मेला आज वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर भगवान रंगनाथ को चंदन के रथ में विराजमान कर शोभा यात्रा निकाली, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने रथ खींच कर पुण्य कमाया। गोंदा रंगनाथ जी का लोकप्रिय रथ का मेला वृंदावन के रंगनाथ जी के मंदिर में आयोजित किया गया। इस मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र चंदन की लकड़ियों से बना 174 वर्ष पुराना रथ है। इस रथ की ऊंचाई 60 फीट है, क्योंकि वर्ष में सिर्फ एक ही बार निकाला जाता है। इस रथ पर विराजमान होकर भगवान रंगनाथ लाखों श्रद्धालुओं को दिव्य दर्शन देते हुए वृंदावन में शोभा यात्रा निकलती है। इस रथ के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने इस विशाल काय रथ को अपने हाथों से खींच कर अपने आराध्य को वृंदावन भ्रमण करवाया और स्वयं को धन्य कर दिया। बता दें कि हर वर्ष ही रंगनाथ जी की शोभा यात्रा इसी दिव्य रथ पर निकलती है। साथ ही श्रद्धालु इस रंगनाथ जी के रथ को अपने हाथों से खींच कर अपने को धन्य समझते हैं। मान्यता अनुसार रथ को खींचने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वह इस मेले के लिए देश भर की से बड़ी संख्या में भक्त वृंदावन आते हैं, जो कि यहाँ बैंड बाजों के साथ नाचते गाते हुए यात्रा में शामिल होते हैं। जबकि इस रथ के मेले के हाथी घोड़ा ऊंट भी शामिल होते हैं और प्रसिद्ध रथ के मेले का आनंद लेते हैं। इस बार इस मेले में सबसे आगे हाथी की सवारी के साथ बैंड बाजों की धुनों पर लोग जमकर नाचते गाते हुए चल रहे थे। वह इस मेले की मंदिर प्रबंधन द्वारा कई दिन पहले से तैयारी की जाती है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। हम पिछले साल भी आए थे, बहुत एंजॉय किया, इस बार भी आए हैं, बहुत अच्छा। कितने समय से हम दो साल से आ रहे हैं। ऐसा माहौल कहीं नहीं, नहीं, वृंदावन से अलावा और कहीं है ही नहीं ऐसा। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बहुत अच्छा लगा हमें, पिछले साल भी आए थे और इस बार भी आए हैं सब में शामिल होने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा। इस तरीके का माहौल ही रहने लगा है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। राधे राधे, बहुत अच्छा लगा। हम दूसरी तीसरी बारी आए हैं जहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। एक साल में तीसरी बारी आ चुके हैं हम। पिछले साल भी हम रंगनाथ की यात्रा में निकले थे, साथ ही आए थे, बहुत अच्छा लगा। हम पंचकूले से आए हैं। बहुत अच्छा, हम हर साल आते हैं। हम टाइम लेके हमारे साल रथ की यात्रा के में शामिल होते हैं। हम हिमाचल से आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। वैसे इस तरीके का माहौल हर जगह देखने को मिलता है, जैसे कि कहीं नुमाइश लगती है, कहीं किसी तरीके का मेला। नहीं नहीं, ये तो लग, ये तो लगी है जी, ये तो लगी मजा, ये भगवान की का लगी हुआ है। क्या अनुभव रहा वृंदावन आके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संस्था है, बहुत बढ़िया यहाँ पे लोगों का प्रसाद है यहाँ बहुत। मेरा नाम अनघा श्रीनिवासन है और ये रंगनाथ मंदिर का ब्रह्मोत्सव चल रहा है। 10 दिन का उत्सव है जिसमें विभिन्न भावनाओं पर भगवान निकलते हैं। आज रथ की सवारी है जो साल में एक ही बार निकलता है। 60 फुट लंबा रथ है जिसे भक्तगण खींचकर बड़े बगीचा तक पहुंचाते हैं और वापस लेकर आते हैं। यह 10 दिन में यह रथ एक ही दिन निकलता है। यह मंदिर 174वां ब्रह्मोत्सव है और 174 ही साल पुराना यह रथ है, तो ये परंपरा 174 साल से चली आ रही है श्री रंगनाथ मंदिर में। भक्त ना हो तो भगवान का रथ खींचे कैसे? तो ये सब भक्त और भगवान के बीच की वो है, सारे भक्त खींच कर उनको पहुंचाते हैं। पुण्य तो भगवान के दर्शन मात्र से है और रथ की तो विशेष वो है कि भगवान, भक्त हर ये समझता है हमने खींच के भगवान को पहुंचाया है, ऐसा भाव।